हेलो दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने ट्यूटोरियल सीरीज को। मैं हूँ श्वेता द्विवेदी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ओरेकल को समझने से पहले हम लोग को डेटाबेस के बारे में समझना होगा कि डेटाबेस क्या है। तो व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस इज नथिंग, इट इज अ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन। ये हमारा डेटा और इंफॉर्मेशन को, जब हम लोग एक बहुत सारी डेटा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और एक उनको ऑर्गेनाइज तरीके से रखा जाता है, वही हमारा डेटाबेस कहलाता है। हम लोग अपने डेटा को बहुत तरीके से मैनेज कर सकते हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, ओरेकल, माई एसक्यूएल सर्वर, डीबीएस। बेसिकली ये हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें हम अपने डेटा को मैनेज करते हैं। डेटा और इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूशन का नेम, उसमें कितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, किस कोर्स के लिए हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, कि उनके सब्जेक्ट वाइज कितनी फीस है, ये सारे क्या है, इंफॉर्मेशन है। तो इस इंस्टीट्यूशन की इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है इन किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर। बेसिकली जब हमारा स्मॉल मतलब कम अमाउंट का डेटा होता है तो हम उसको वर्ड और एक्सेल में स्टोर करते हैं। वर्ड और एक्सेल बेसिकली हमारी फ्लैग फाइल्स होती हैं। अब हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करें तो ये हमारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये हमारे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट होते हैं। इन्हीं को और जो ओरेकल, MySQL सर्वर, MySQL, डीबेस एंड फॉक्स प्रो, ये सारे आपके RDBMS सॉफ्टवेयर या RDBMS डेटाबेस हैं। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं वर्ड, एक्सेल और एक्सेस ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पास है और ये सारे हमारे RDBMS डेटाबेस और सॉफ्टवेयर के पास है। तो आज की ट्यूटोरियल्स में इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हम अपने डेटा को मैनेज करते हैं टेबल के अंदर, क्या है हमारा डेटाबेस टेबल। तो मेरी अगली आने वाली वीडियो को देखते रहिए।